सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, करता हूँ आप लोग एकदम बड़ी लाल जो है ऑलमोस्ट मतलब 11 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ किसी काम से, एक्चुअली काम से मतलब स्कूल में जाना है उसके, तो वहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह मांगे थे, कुछ डॉक्यूमेंट, तो वो देने जाना है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर चलते हैं और फिर आने के बाद एक दो काम और हैं, तो देखते हैं आज कैसा रहता है। फ़िलहाल मौसम तो सही ठीक ठाक हो रखा है, मतलब घटा सी है थोड़ी सी, तो देखते हैं फटाफट से चलते हैं, उसको बचाते हैं। अब बैग वगैरह तो हमने सब ले लिया सामान, चलते हैं। मौसम देखो कितना सेट हो रखा है, मस्त है। उसके नुमान के स्कूल में देखो, और अभी जा रहे हैं ऊपर है उसकी क्लास, अकबर है यार स्कूल तो, फिर उसकी क्लास देखते हैं, फिर उसके टीचर से मिलके ना काम के लिए आए हैं, वो पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। ये है देखो, उसके सामने स्कूल के दिखता है मंदिर, एक बिरला मंदिर का, और वो एक दूसरा स्कूल है, ये पूरा स्कूल का, वो आ रहा है अभी क्लास के अंदर है, तो वो भी मिलते हैं उससे। आ गया था नुमान, तो अभी उसका वेट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली अपनी मैम को बुलाने वो जा रहा बुलाने के लिए, तो अभी इसकी मैम आएगी फिर मिलेंगे। इतना बड़ा स्कूल है भाई, इतना बड़ा तो हमारा भी नहीं था। आ गए ऐसी देर से वेट करके, अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और नुमान भाई बुलाने जा रहे हैं ऊपर मैम को। भाई नुमान भाई का स्कूल ही पीछे का ग्राउंड है और एक उस साइड भी ग्राउंड है भाई नुमान तो चलो चलते हैं, अब हम घर चलते हैं, हमारा जो काम था वो हो गया, पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी थे वो मैम को मैंने दे दिए नुमान भाई, तो अब चल रहे हैं बाहर और चलते हैं घर, मज़ा आ गया आज तो। अरे नीचे भी दिखाता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। पहले बताते थे एसी मिल जाता, एसी कहाँ पर, क्लास में जो भाई हमारे में तो पंखे भी सही में चल रहे थे। हाँ ये देखो दिखा रहा था मैं, 1976 1921 1947, ठीक है तो चलो चलते। स्कूल का काम तो हो गया, अब बस चल रहे हैं घर पे, मतलब देखते हैं क्योंकि यार आज ना उसके बाद में काम है, मेरे को CBSE का ऑफिस भी जाना है और फिर एक दो काम है शाम तक, तो फिलहाल चलते हैं घर पे और मिलते हैं आपसे। पेट्रोल डलवा के फिर निकलेंगे, मुझे इसमें पेट्रोल था नहीं था अपने से, तो अभी चलेंगे। सो अभी फ़िलहाल जिस काम के लिए आया था वहाँ पहुँच गया हूँ, काफ़ी दूर था लेकिन पहुँच गया, अब चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा फ़ोन, फिलहाल जो काम करने आया था वो तो हो गया यार, काफ़ी देर लगी और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो फ़ोन यहीं बाहर सबमिट करके गया था। एक्चुअली ये CBSE का ऑफिस है, तो फ़िलहाल मेरी कुछ काम था यहाँ पर तो वो करने आया था, अब चलते हैं, बाइक हैगी अपनी और बैठ के जल्दी से चलते हैं, फिर हो सकता है हमारा एक दो काम और है वहाँ जाके, तो फिर वो करना है, तो चलते हैं फटाफट। ये देखो ये ऑफिस है, ठीक है, काम देखो कितना ज़्यादा है जाम है, वहाँ से लेके पीछे तक। इस वाले रूट पे तो इतनी रेड लाइट है, इतनी रेड लाइट है, देखो अभी चार रेड लाइट पार करके पीछे आया हूँ, फिर से ये रेड लाइट आ गई, अब इसके बाद में आगे जाएंगे तो कोई रेड लाइट नहीं। अभी यहाँ से लगभग तीन किलोमीटर होगा अभी घर तक का, तो अभी चलते हैं, तो पीछे लगा लिया मैं, मतलब फिर वहाँ धूप में खड़ा होना पड़ेगा, इससे सामने खड़े होगा, मतलब मेट्रो स्टेशन को ही तो फायदा होना चाहिए ना। चलो ये आ गया हमारा जमुना का पुल, यहाँ पे पानी कभी हुआ करता था काफ़ी, मतलब जब मैं बचपन में था तो काफ़ी भरा भरा रहता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। सो फिलहाल देखो कितनी हालत बुरी हो गई, तो वहाँ से तो आ गया मैं
पापा का फ़ोन आ गया था, वो कहने लगे कि मैं भी मतलब यहीं रास्ते में ही हूँ, तो वो कह रहे मेरे को भी लेते हुए चलना साथ में। तो अब उनका वेट कर रहा हूँ और कुछ सामान है ऊपर वो लेके आ जाऊँ, फिर पापा आ जाएंगे इतने ऑफिस से, चलते हैं। तो अभी पापा वापस छोड़ गए, अब गर्मी में थोड़ा सा कुछ ठंडा पी लें फिर चलेंगे। सो फिलहाल अब जाके ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और बस अब जाके घर में आया हूँ, सारी काम वगैरह करके पापा वगैरह को लेके। तो अभी देखते हैं, एक दो काम और हैं फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो खाना खा लेते हैं पहले, तो भूख लग रही बहुत ज़्यादा, खाना खाते हैं फिर चलेंगे, देखते हैं। तो फिलहाल वहाँ से आके तो मैं सो गया था, अब बज रहे हैं कितने, 6:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो अब जा रहे हैं चाचा के साथ से कुछ काम से, ये आ गए देखो, अब चलते हैं। चलो इधर से ही चलो। मौसम तो बहुत हो रहा है सही, क्योंकि घटा हो रखी है और ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया, मतलब 6:30 तो हो ही गए। अब रक्षा वक्षा कर रहे हैं, चलते हैं बाजार। रक्षा हो गया है लोग, ये आ गए रक्षा, चलो। अभी जाके पहुँचे हैं, इतनी देर में देखो कितनी तेज़ घटा हो गई, और जाम देखो। ये भी भैया रॉन्ग साइड में हमें लेके आए हैं, यहाँ से वहाँ से लेके पूरा आगे तक वहाँ तक जाम लगा हुआ है। तो अब चलते हैं अंदर है मार्केट, वहाँ पर तो देखते हैं चलें। तो देखो गली कितनी पतली है, ऊपर मतलब छत भी नहीं दिख रही, दुकान में जा रहे हैं वहाँ तक, ऐसी ही आगे तक बाजार सब दुकान है। देखो जब किया जाम, बाइक निकलने तक और बाइक वाइक ही फंस गई। मुझे आज तो 3 मिनट चाहिए, यहाँ से सामान चाचा का हो गया है टोटल, बस पैसा लेके फिलहाल ये सामान ले लिया, अब चलते हैं बाकी सामान बचा है। इतना सारा सामान हो गया, 3 सारी चीज़ें लेके, अब पकड़ना पकड़ेगा यहाँ से रक्षा। सब रिक्शा पकड़ते हैं यहाँ से, अब चलेंगे देखो कितना जाम चल रहा है, देख रहे हो वहाँ से रिक्शे तक भी स्लो स्लो चल रहे हैं। पता नहीं अभी मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो आधे से आधा घंटा लग जाएगा घर पर पहुँचते वहाँ से। तो अभी चलते हैं घर, लग गए यार सुबह से निकले निकले खड़े खड़े 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, रक्षा नहीं मिल के दे रहा एक तो यहाँ पे, देख रहे हो सारा वो भी भरा हुआ। ये वाले भैया आए, कहने लगे भाई मैं नहीं जा रहा, वो तो भाई अंदर चले गए, अब वेट कर रहे हैं देखो कोई रक्षा आ जाए आगे से, तो फिर तब चलें घर। सामान भी है यार, वही तो आ जाए रक्षा, ये देखो ये भी भरा हुआ है, देखा ना। सुबह से निकले ना, इतना ज़्यादा सामान वामान काम वाम कराया ना कि बस थक ही गया। पहले सुबह उसके स्कूल गया, वहाँ से फिर आया अपने काम से गया, फिर पापा को लेके गया, अभी फिर यहाँ शाम होते ही घर पे गया था, थोड़ी देर सोया और फिर ये सामान वामान लेने के लिए यहाँ मार्केट आ गया। अब पता चल रहा है यहाँ पर रक्षा नहीं मिल रहा है, अब इसका वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे घर यार, आराम करेंगे। सुबह से आज तो हालत बुरी सी हो गई एकदम। सबसे अच्छी बात आज की ये है कि मौसम सही है, मौसम बहुत सही है, तो चलते हैं अब यार जल्दी से रक्षा आ जाए कोई घर चल देंगे। हाँ भाई बैटरी वाला ही पूछ लो। हाँ तो देखो यार, अब देखो ये खड़े खड़े में इतनी देर हो गई, रक्षा नहीं आ रहा, ऊपर से अब बारिश आने लगी हल्की हल्की सी बूंदे, और अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो हो जाएगी परेशानी फिर पूरा, कोई रक्षा मिल जाए। इतनी देर में ये भाई आके मिले और अब जाके बैठे हैं, हम रक्षे में चले। तुम्हारा ये वो अभी अभी पाए आगे गिर गए थे रक्षे में, तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में घर। सामान वामान सारा रखा हुआ है, रक्षे वाले भैया चौराहे पे बीच में घुमा रहे हैं, रक्षा बीच में घुमा रहे हैं, देखिए अभी सोचेंगे बीच में एकदम से सामने में गाड़ी आ रही है, ठीक है वाले भैया सुपर फास्ट अपनी ट्रेन चलाते हुए, मेरा मतलब रक्षा चलाते हुए। वीडियो मैं उठा लेता हूँ, भैया चेक कर रहे हैं रक्षा का कुछ हुआ तो।
जो थे रास्ते में गिर जाते रक्षा सिंह में भाई साहब ने मार दिया खड़े मेरे एक मारे फिर सामान लेके चलते हैं ऊपर। फिलहाल फाइनली पहुंच गए अब घर, सामान वामान आ गया, बस लेके चल रहे हैं ऊपर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।